आज मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे फेसबुक अकाउंट पे ये मदन मधु बोल के एक है, ये कहाँ रहता है, मधुगिरी कहते, तुमकुर। तुमकुर कहाँ आता है मुझे तो पता नहीं, और लगता है शायद कर्नाटका स्टेट पुलिस में है बोल के बोलता है कि, लेकिन ही इज़ वर्किंग फॉर कर्नाटका स्टेट पुलिस। देखिए ये लोग कैसे फ्रॉड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये अकाउंट कब से है, कितनी पुरानी है, मतलब 18 नवंबर, और उसके बाद 19 का पोस्ट उसने डाला हुआ है। चलिए लेट्स गो बैक। और उसके बाद हाउ ओल्ड इज़ दिस अकाउंट, 19 लगता है अरे ये, हम लोग मतलब राजा जय थे भीम यहाँ को के, बहुत लेकिन मानते हैं चंद्र क्योंकि चालाक मनवा थे। जय भीम के भक्त दिख रहे हैं। तो यस, आदमी का शक्ल और फोटो ज़रा ढंग से देख लीजिएगा, लाइक यू नो हाउ ही चीटेड। अब इसने और क्यों कुछ पोस्ट डाला, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, एंड ऑल कंटेंट इज़ इन हिडन फॉर्मेट। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, और जय भीम, जय भीम को मानने वाला है, कोई बात नहीं। जय धीम लिखा हुआ है यहाँ पे, अगेन जय धीम, 15 अगस्त, जय भीम, जय भारत। चमार भवन का उसने एक पोस्ट को शेयर किया हुआ है, जय भीम साथियों। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस आदमी के कौन से कितने कितने पोस्ट हैं। तो देखिए इस आदमी ने मेरे को कैसे कनेक्ट किया। सबसे पहले इसने मेरे को हाय बोल के भेजा, हाय भेजने के बाद मैंने उसको रिप्लाई किया हेलो, और उसने मुझे पूछा कि सेंड मी अ नंबर, तो मैंने मेरा नंबर सेंड किया। जनरली मैं तो सबको नंबर शेयर करता ही रहता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड संतोष कुमार फ्रॉम CRPF कैंप विल कॉल यू बोल के बोला उसने, मैंने आपका नंबर दे दिया उसको। ही इज़ CRPF ऑफिसर इन इज़ ड्यूटी ट्रांसफ़र। देखिए कोई CRPF ऑफिसर नहीं, कुछ नहीं, यही ये मदन जो है ना, ये कितना बड़ा फ्रॉड है, दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। और ऑल बोलता है कि ही इज़ सेलिंग हिज हाउस होल्ड फर्नीचर आइटम्स सेकेंड हैंड, नॉट इवन सेकेंड हैंड, ठीक है। ऑल आइटम्स आर गुड एंड प्राइस वेरी चीप, यू कैन टेक इफ़ यू लाइक, गुड फर्नीचर आइटम्स, क्वेश्चन मार्क डाल के उसने भेजा। उसके बाद मैंने बोला ओके, और ओके किया। उसके बाद मैंने उसको वापस कॉल करने की कोशिश की, उसके बाद वो मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मदन गिव मी योर नंबर बोल के बोला, वो भी नहीं किया, और आंसर माई कॉल, ऐसा नहीं कि मेरा फ़ोन नहीं देख रहा है, इज़ वॉचिंग मी एक्चुअली, लाइक मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन भी जा रहा है, वीडियो कॉल कर रहा हूँ उसका भी नोटिफिकेशन जा रहा है, लेकिन ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो आज भी मैंने उसको वीडियो कॉल करने की कोशिश की आपके सामने, अगेन लाइक नो मैं एक बार ऑडियो कॉल करने की कोशिश करता। लेकिन बैंक अकाउंट है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो शेयर मत कीजिए कभी किसी के साथ में, अदरवाइज़ बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। चलो मैंने उसको कॉल किया, एंड इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई कॉल। अभी देखिए उसने जैसे मुझे बोला था कि संतोष कुमार, देख रहे हो आप, लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड संतोष कुमार फ्रॉम CRPF कैंप। अब तो देखिए वो संतोष कुमार का मुझे कॉल आया था, मैं आपको ट्रू कॉलर पे लेके जाता हूँ, आप ये देख रहे होंगे संतोष कुमार, तो ये रहा वो संतोष कुमार का फ़ोटो, ऐसा फ़ोटो आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब उसका, देखिए ना बैच देकर देखोगे तो आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन लिख रहा है कि संतोष कुमार बोल के ऐसा दिख रहा है, और उनकी फ़ोटो भी यहाँ पे है, और काफ़ी सारे मेडल्स उनके, मतलब 3 स्टार, और एक एक इंस्पेक्टर के जैसे दिख रहा है ये। चलिए ठीक है, और इनका जो नंबर है 6371446488 उनका, लेकिन ना कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी इसने मुझे कितनी बार कनेक्ट करने की कोशिश की है देखिएगा। इनकी जो कॉल हिस्ट्री है ये नवंबर से मेरे को फॉलोअप करते करते आ रहे हैं, और अभी मैं इन आपको बातें सुनाता हूँ कि क्या क्या बात हुई थी। नंबर याद रखिएगा आप, ये आपके लिए लाभदायक होगा। नंबर स्टार्ट्स विथ 6371446648,
सो अभी मैं इसके कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि इसने मेरे के साथ कैसा फ्रॉड करने की कोशिश की। 66648 लेट गो टू दी कॉल हिस्ट्री। और वेरी फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे उसका, मैं एक्चुअली किसी का फ़ोन तो नहीं उठाता हूँ, लेकिन मैंने इसका फ़ोन इसलिए उठाया क्योंकि वहाँ पे CRPF कमांडेंट ऐसा नाम आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक बार बात कर ले। तो उसके साथ स्टार्टिंग में जो बात हुई थी इस तरह से बात हुई थी। अब मैं आपको कॉल ऑडिट कराता हूँ। हेलो जय सर, कस्टमर बस शेयर पे तो फिर बात कराओ। हेलो सर, ने आपका वो मदन मदन मधुसर ने आपका नंबर सेंड किया था। देखिए ये बोलता है कि मैं कमांडेंट CRPF बोलता हूँ, बात कर रहा हूँ, और संतोष बोल के तो नाम कहीं सुनाई नहीं दिया। चलिए ठीक है, लेकिन आप सोचिएगा कि क्या कोई CRPF का ऑफिसर ऐसे छोटे बच्चों के जैसे आवाज़ करके बात करेगा? उनकी तो आवाज़ में ही आवाज़ होती है। अब देखिएगा, आपको फर्नीचर के बारे में शशि बात हुआ क्या? हाँ बता रहे थे, कुछ फर्नीचर सामान वगैरह कुछ है जो बेच के जाना। हाँ फर्नीचर की थोड़ी ना आपको फोन किया है। कहाँ पे है भी आप, कहाँ पे हो? मैं बेंगलुरु, बेंगलुरु शायद ट्रिप पे। अच्छा, लेकिन मैं तो हैदराबाद में हूँ ना। हैदराबाद में वो फ्री होम डिलीवरी हो जाएगा। देखो ये फ्री होम डिलीवरी हो जाएगा बोलता है। होम डिलीवरी हो जाएगी? हाँ फ्री होम डिलीवरी है। मदन को कैसे पहचानते हो आप? वो काफी अच्छा फ्रेंड है मेरा। एक बार आप, एक मिनट, आप क्या करते हो? हेलो हाँ जी, आप क्या करते हो? मेरी ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर क्लास में हुई है। नहीं आपकी आवाज ऐसे क्यों आ रही लड़की के जैसा? मेरी आवाज ऐसी है भैया। हेलो सुन रहा हूँ साहब जी, बोलिए तो सही कमांडो, आपकी आवाज ऐसे क्या हो गया है? हेलो आपको आवाज आ रही मेरी? ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट किया उसने कॉल ड्रॉप कर दिया। अभी आज उसका फिर कॉल आया और यहाँ पे तो गाली गलौज पे आ गया। एक बार सुनिए वो क्या कह रहा है। हेलो हाँ जी, जय मिस्टर बाबा जोन ग्रेवर स्पीकिंग ना। हाँ मैं असिस्टेंट कमांडेंट संतोष कुमार स्पीकिंग, CRPF कम पीएल का बेंगलुरु कर्नाटका। बोलिए सर। मदन मधुसर फॉरवर्ड योर नंबर विद मी। या यू नीडेड द हाउस होल्ड मेटेरियल ना ब्रो, हाउस होल्ड आर्टिकल सम आइटम इलेक्ट्रिकल एंड फर्नीचर आइटम ना। नहीं कोई जरूरत नहीं है, क्यों क्या हुआ? That is the reason, brother, is my duty urgently transfer Jammu and Kashmir sell out for household some item, electrical and furniture item. लेकिन मैं तो हैदराबाद में हूँ, वहाँ से किस तरह से? Your home location delivery available, CRPF can transport service, free home delivery. भेज दो फिर। Okay, that is the reason, brother. Are you ready to buy? Yes or no, please. क्या रेट है उसका? Are you ready to buy? Purchasing ready, ना? हाँ। ओके, कंफर्मेशन ट्रांजैक्शन आईडी पे द ऑफिस अकाउंट 5% 30% अमाउंट। मेरे को 30% अमाउंट एडवांस मांग रहा है, चोरी की भी हद होती है। आपका बैंक अकाउंट नंबर भेज दो, मैं कर देता हूँ। ओके ओके, आई विल सेंड ऑल आइटम डिटेल फोटो जो व्हाट्सएप यू सेंड योर एड्रेस, आई विल सेंड द बैंक अकाउंट डिटेल। ओके कितना कितने का अमाउंट है वो? फाइनल बिल देनी 80,000 रुपीज लास्ट एंड फाइनल। क्या क्या है उसमें? ऑल 9 to 10 and 11 आइटम, बेड सोफा डाइनिंग टेबल एसी वॉशिंग मशीन फ्रीजर लैपटॉप टीवी इन्वर्टर एंड बाइसिकल। लैपटॉप कौन सा है जी? सैमसंग ब्रांड इलेक्ट्रिकल ऑल आइटम सैमसंग ब्रांड। लैपटॉप कौन सा है, कौन सा? सैमसंग ब्रांड। सैमसंग ब्रांड को क्या चूर के खाऊं क्या भाई? लेकिन आप जस्ट आस्किंग लाइक यू नो कॉन्फिगरेशन क्या है तेरी बहन। सो दिस इज़ वॉट हैपन ओवर देयर। उसके बाद सीधा उसने मेरे को गाली दे दी। और उसके बाद उसने उसकी जो फेसबुक आईडी है उसी को ही लॉक कर लिया है। और व्हेन आई एम ट्राइंग टू ओपन इट अगेन एंड अगेन देन आई एम गेटिंग एन एरर मैसेज सेइंग दिस पेज इजंट अवेलेबल राइट नाउ बोल के। इसका मतलब उसने उसकी आईडी को बंद कर लिया है फिलहाल। लेकिन आप थोड़ा सा सावधान रहिए, और ख़ास करके ये जो मदन है ऐसे जो लोग रहते हैं ना इनको थोड़ा सा एक्सपोज कीजिए और इनसे सावधान रहिए, और इन लोगों के साथ दोस्ती मत।